नदीरे गाधोइबाकु जाई छात्र निखोज निखोज छात्र राजीव रायगुरु सिंह भुवनेश्वर उपकंठ सिजुआ ग्रामर बोली जणा पडिछि। बालीपटणा थाना झिंटी शासन भार्गवी नदीरे घटिछि घटना। घटनास्थल रे दमकल बाहिनी पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिछि। सूचना जोग्य जे राजीव ओ तीनि जण सांग मिसि गाधोइबाकु आसीथिले, किंतु गाधोउथिबा बेले निखोज होइ जाइछन्ति राजीव। तेबे बुड़ी जाउथिबा खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची खोजाखोजी आरंभ करिछन्ती। राजीव चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा देइथिले एवं छुट्टी रे निज बंधु घर को बुलिबाकु आसीथिले। मिशन कटक ब्लक दुर्गी ठारे सबुज महानदी रथ को स्वागत करागला। दुर्ग सदर महकुमा ठारे राज्य सरकार का सबुज महानदी रथ सचेतन बार्ता बाजुला बेले दुर्गी सरकार उच्च विद्यालय ठारे उक्त रथ को स्वागत करा सहर परिक्रमा करा जाइथिला। या सहित रायगढ़ जिला रहिबो एवं से नै लोकमानको सचेतन कराइबा सह दुर्ग उच्च विद्यालय छात्र छात्री सचेतन रैली बाहरी जंगल सुरक्षा जंगल रक्षा जंगल को नियादारु किपर रक्षा करा जिवो स्लोगान दे सहर परिक्रमा करथिले। एक कार्यक्रम में दुर्गी वनपाल आदित्य कुमार प्रधान वनरक्षक कैलाश चंद्र साहू प्रसाद कुमार मिश्र अरुंधति मुकुटा एनजीओ कार्यकारिता बिगन राज मिश्र संतोष कुमार कांड सहर परिक्रमा कराइले। एक कार्यक्रम को मुनिगुड़ा वनांचल अधिकारी प्रसन्न कुमार मिश्र तत्वधान में परिचालित करा जायथिला। ब्यूरो न्यूज ओडिशा विजन टीवी। डकईडा ग्रामे नृशंस हत्याकांड पुतुरार कुराड़ी मारे मऊसी मृत कुराड़ी साहय बारंबार प्रहार कर अति नृशंस भाव में हत्या करतुरा एपर एक नृशंस हत्याकांड घटी मयूरभ जिला बहलदा थाना हाथकड़ी ग्रामे पुतुरा जनक मामू घर को आसा बेले गत रात खाई सारे मामू घर लोके अवस्था पुतुरा जनक मऊसी कोढ़ाड़ी अति नृशंस भाव में हाणी हत्या करते मृतक मऊसी जनक यह ग्रामर जाऊनी नायक जमापड़ी। गत रात मऊसी को हत्या करता बेले आज सकाल लोके आसवर गांव लोके संपर्क को जीवन को मारिदे नहीं हाथ में कुराड़ी और टांगिया धरी गोड़ाई सूचना मिली। खबर जी पुलिस घटनास्थल में पहुंची अभियुक्त को पुत्र को गिरफ्त करने हत्याकांड में व्यवहित कुराड़ी को जबत अभियुक्त पुत्र जनक कांद्रा नायक सेपटे हत्याकांड कारण अस्पष्ट था बेले मृतदेह जबत करने अधिक तदंत चल बहलदा पुलिस। विश्व महिला दिवस खोर्धार पालित हो जाता खोर्धा निर्वाचन मंडल बीडीए कल्याण मंडप ठारे महिला दिवस पालित हो जाए। विश्व महिला दिवस अवसर में खोर्धा विधायक ज्योतिरेन्द्र नाथ मात्र खोर्धा जिला बीजेडी सभापति श्री विभूति भूषण बलवंत राय महिला बीजेडी सभापति श्रीमती मीनती बेहरा ओडिशा मो परिवार अध्यक्ष श्री अरूप मोहन पटनायक बीजेडी नेत्री तथा भिन्नक्षम कमिशन अध्यक्ष सुलोचना दास चिलिका विधायक तथा खोर्धा योजना बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार जगदेव संख्यालघु सेलर उपदेष्टा तथा राज्यसभा प्रार्थी मुन्ना खान खोर्धा जिला परिषद अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार दलाई बीजेडी के महिला प्रमुख कमिटी जोग देते। खोर्धार राकेश महांती का रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। बरकु तृतीय विवाह महंगा पड़ा तो विवाह करने को आसी हटहटा है बर। सूचना अनुजाई कन्या पक्ष को तृतीय विवाह करुवा कथा न जनाई विवाह करुवा बेले उठाई नेला धड़ापथर फांडी पुलिस। बोलगढ़ ब्लक मगुरा ग्रामर शिवप्रसाद मंगराज निजर तृतीय विवाह फतेहगढ़ थाना अंचल जन कन्या बेगुनिया थाना अधीन धड़ापथर फांडी अंतर्गत धवलेश्वर पीठ से करने को जाता बेले तृतीय पत्नी लोपामुद्रा परिडा घर पक्ष खबर पाई थाना अभियोग कर खबर पाई धड़ापथर फांडी पुलिस घटनास्थल में पहुंची बरक उठे नहीं तो पुलिस पूर्व उभयों पक्ष बेलगढ़ थाना अभियोग होता। खोर्धार राकेश महांती का रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। होली चलीगला जनक जीवन एमती एक घटना घटी चित्रपला नदी में कटक जिला सालेपुर अंचल मोहनापुर ग्रामर हिमांशु शेखर दास एकमात्र पुओ शुभम प्रतीक दास बयस 18 से होली खेली सांग मानंक सहित नदी को गाधेबाकु जाइथिले। गाधोइबा समय रे हठात गोड़ खसी जिबारु पानी रे बुड़ी जाइथिले। सांग माने तुरंत स्थानीय ग्रामवासी को डाकिथिले। पानी रो स्रोत अधिक थिबारु स्थानीय लोके सालेपुर अग्निशम बाहिनी को फोन करी डाकिथिले। अग्निशम बाहिनी आसी युवक को उद्धार करी सालेपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइथिले। सेठारे तांकु मृत्यु घोषणा करी सालेपुर पुलिस शव व्यवच्छेद पाई कटक को पठाइथिले।
आनंदपुर ऐतिह्य परंपरा कला संस्कृति और भाईचारा को नहीं आनंदपुर महोत्सव 2020 आनंदपुर स्टेडियम पड़िया ठारे आरंभ हो जाइथिबा बेले आज यार उद्यापनी उत्सव में घसीपुरा बीणापाणी कला निकेतन तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। भरपूर मजामस्ती रे झुमिले दर्शक। दीर्घ 6 दिन धरी अनुष्ठित हेउथिबा महोत्सव आनंदपुर परंपरा और भाईचारा को नहीं अनुष्ठित होता बेले आनंदपुर उपजिलापाल रवींद्र कुमार साहू आनंदपुर विधायक भागीरथी सेठी योगदान करी प्रत्येक दिन भली आज बहु संख्या रे सांबादिक जनसाधारण बुद्धिजीवी छात्र छात्री समाजसेवी एही उत्सव रे सामिल होइथिले। आज एही महोत्सव उद्यापनी उत्सव में सभापतित्व करिसंती आनंदपुर उपजिलापाल रवींद्र कुमार साहू मुख्य अतिथि भाव मान्यवर खंडपड़ा विधायक सौम्यरंजन पटनायक सम्मानित अतिथि भाव आनंदपुर विधायक भागीरथी सेठी प्रमुख जोगदे प्रदीप प्रज्वलन करिथिले। आनंदपुर महोत्सव अंतिम दिवस शुभ उद्घाटन करिथिले। परे परे मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित अतिथि तारा रंजन पटनायक को उत्तरीय और पुष्प दे सम्मानित करिथिले। एही महोत्सव को शांति श्रृंखला रे महोत्सव पालन करबा को आनंदपुर पुलिस पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जिबा सह ट्रैफिक नियंत्रण सुचारू रूपे करबा पई व्यापक व्यवस्था करा जाइथिला। आनंदपुर महोत्सव स्थानीय तथा उपखंड लोकंक ऐतिह्य परंपरा सहित जड़ित महोत्सव को अधिक आकर्षणीय करबा पई 200 रु ऊर्ध स्टॉल व्यवस्था करा जाइथिला। विभिन्न प्रकार आलोकमाला सहित दोली मीना बजार खाद्यपेय घरकरणा जिनिसर पसरा मिलिथिला। 6 दिन धरी अनुष्ठित हेउथिबा महोत्सव रे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मेलोडी प्रोग्राम खाद्यपेय रो भरपूर मजा उठैछंती आनंदपुर उपखंडवासी। माटी उपकार छुई माटी दाबुड़ी अच्छे 14 वर्ष आज उद्यापन दिवस ये जो 14 वर्ष धरी जो आनंदपुर महोत्सव भाईचार संपर्क नहीं सांस्कृतिक वातावरण आँची कला संस्कृति ऐतिह्य माटी हूँ आनंदपुर जहाँकि एक स्पर्श करती विदग्ध चिंतामणी कार्य एक आउ एक नूतनत्व प्रकाश कर आनंदपुर महोत्सव ये आनंदपुर 12 बढ़ेगी दाय 12 वर्ष पुओ धर्मदाय एभरी एक दाय सन्तान रही आनंदपुर बाकी जोटी जंगल कथा कहे पूर्णता बैतरणी आरंभ शेष पर्यटन ये मटी अच्छी रही आग को यही अतिथि दिन में अतिथि आसिक आनंदपुर महोत्सव आउ एक बान्हाड़ रूप नब आ प्रत्येक दिन गोटे बड़ जिनस आंचलिक कलाकार मानक सुजोग द्वारा हकदार होती आनंदपुर मंच जहाँकि कौन से कलाकार बात पड़ना दासकाटिया पाला झुमर घोड़ाच सबुठी ये आनंदपुर महोत्सव मंच दे 14 वर्ष दे आस आंचलिक कला बात दीजिए पर नूतन नूत भाव नहीं विभिन्न कलाकार सुजोग दिखाई है बहुत दर्शक भरपूर अच्छा लोक मैं कला सहित स्टल मान उपभोग करते हैं आनंदपुर मटी कथा आनंदपुर महोत्सव एक स्वतंत्रता बजाय रखी आनंदपुर आसवा को सदा बड़े इच्छा थे भी गोटे बाहाना दरकार थाए आने के लिए बाहाना चाहिए जो कारगिल चकलेट विज्ञापन मन करती से कृतज्ञता जनाऊे मोपाई से गोटे सुजोग सृष्टि कले ये कन्याट उत्सव आगदेव अत्यंत आनंदित आगामी दिन में महोत्सव संपर्क कौन आप मत रहे महोत्सव बर्तमान जो आकार मुझे भावुची ये गोटे छोट बालीजात्रा भाई देखा जाऊँ ये आकार दृष्टि संपूर्ण है यार कलेवर वृद्धि नक भितर किपरि यार गुणात्मक अभिवृद्धि घटव सांस्कृतिक कार्यक्रम सब वर्गर लोक मान सामिल कर आगक नहीं हेब ए आनंदपुर ऐतिह्य संस्कृति और आनंदपुरिया कहले जी लोक मैंने आमको सम्मान जनइबे तार गोटे बार्ता महोत्सव पारला खेमुंडी स्थित मुख्य चिकित्सालय परिसर रे केंद्र सरकार गर्भवती महिला मानक क्षेत्र रे उद्दिष्ट लोकाभिमुखी लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सफलतार सह आगे चली प्रत्येक मासर 9 तारीख दिन केन्द्रीय कार्यक्रम जो आरंभ करा जाई छी तार मूल उद्देश्य हैला जे
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କି ଗର୍ଭଧାରଣର 4 ମାସ ଠାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣର 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭବତୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ଓ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଗାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ସୁଗାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ମାପ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଯଥା ରକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ସହ ରକ୍ତଚାପ ଓ ପରିସ୍ରା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଯୌନ ଓ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପରାମର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ପ୍ରସବ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏଭଳି ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରେଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଡିଏମ୍ୟୁ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ, ଥାନା ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କଳାବାଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ବଣକାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦଶରାପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଡିଏମ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଁଳା ଗୁଞ୍ଜା ଗ୍ରାମର ପରମେଶ୍ୱର ସେଠୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଦିନ ବେଳେ ସୁଦାମ ଘରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।